हेलो सीएपी फास्टनेस। मैंने राइटिंग सेक्शन बैच 7 जनवरी को स्टार्ट किया था 2022 इसी साल, और ये राइटिंग सेक्शन बैच अब खत्म होने वाला है। अप्रैल एंड तक खत्म हो जाएगा और बाय अप्रैल एंड मैं मिनी टेस्ट रिलीज कर दूंगी। तो ये राइटिंग सेक्शन बैच में मैंने 15 ऐसे क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस करवाए हैं स्टूडेंट्स को जो भी इस राइटिंग सेक्शन बैच में एनरोल किया है, और 10 आर्गुमेंट क्वेश्चन और 10 रिपोर्ट क्वेश्चंस। तो आप ये क्वेश्चन सारे देख रहे हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस अब ऑलमोस्ट मैंने करवा दिए हैं, तो इन क्वेश्चंस को मैं रिलीज कर रही हूँ। और ये क्वेश्चंस मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में रिलीज करूंगी, आई मीन टेलीग्राम ग्रुप में मैं सारी क्वेश्चंस को पीडीएफ फॉर्म में पोस्ट कर दूंगी। तो जिनको भी ये क्वेश्चंस चाहिए तो वो टेलीग्राम ग्रुप जो मेरा है कॉम्पिटिटिव इंग्लिश बाय रश्मि, आप टेलीग्राम में जाइए, अगर आप सर्च भी करेंगे तो आपको मिल जाएगा। आप ग्रुप में ऐड हो जाइए और ये क्वेश्चंस आप ले सकते हैं। इनके आंसर्स भी मैं टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट करूंगी, इनके आंसर्स बाय अप्रैल एंड मैं रिलीज कर दूंगी। फाइन, ये सारे आंसर्स 17 ऐसे क्वेश्चन, 10 रिपोर्ट और 10 आर्गुमेंट। जो मिनी टेस्ट होगा 100 मार्क्स का, जिसमें 2 ऐसे क्वेश्चन, 1 रिपोर्ट, 1 आर्गुमेंट, 1 प्रेसी, 1 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वो उनके आंसर्स और क्वेश्चन सहित, आई मीन क्वेश्चन मिनी टेस्ट के क्वेश्चन और उनके आंसर्स वो मैं रिलीज करूंगी थोड़े बाद में, बाय मई 20, जब सारे स्टूडेंट्स अपने आंसर सबमिट कर देंगे और मैं सबका इवेलुएट कर दूंगी। उसके बाद मैं मिनी टेस्ट के आंसर्स रिलीज करूंगी, मगर इन क्वेश्चंस के आंसर्स बाय अप्रैल एंड मैं रिलीज कर दूंगी। रिलीज करने का मतलब है मैं टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट कर दूंगी, तो टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाइए और ये क्वेश्चन ले लीजिए, बाय अप्रैल एंड इसके आंसर्स भी आपको मिल जाएंगे। अब इसके अलावा मैंने बुक भी रिलीज की हुई है, आप लोगों को अगर पता होगा तो मैं बता देती हूँ। देखिए, ये एक बुक है चेकमेट राइटिंग सेक्शन की बुक। तो जो भी सीएपीएफ की तैयारी कर रहे हैं और उनको अच्छे से समझना है कि ऐसे कैसे लिखा जाता है, रिपोर्ट कैसे लिखी जाती है, आर्ग्यूमेंट और ये सारी चीजें अगर समझना है तो आप ये बुक ले सकते हैं। ये 550 रुपीज की बुक है डिस्काउंट में, ऐसे इसका प्राइस 650 है। और इसमें आपको सैंपल एसेज मिलेंगे, उसके सॉल्यूशन 210 ऐसे क्वेश्चन थे, आपको उसमें करीब 40 रिपोर्ट, करीब 60 आर्गुमेंट क्वेश्चंस के मॉडल आंसर्स मिलेंगे, साथ में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैसे लिखा जाता है, प्रेसी कैसे लिखी जाती है, और फिर प्रैक्टिस के लिए आपको प्रेसी के सैंपल पैसेजेस एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के भी पैसेजेस मिलेंगे एंड विद आंसर्स। ओके, जो नेक्स्ट बुक मैंने रिलीज की है वो एसे राइटिंग की बुक रिलीज की है। तो जिसने भी चेकमेट राइटिंग सेक्शन की बुक ले ली है, ये वाली बुक ले ली है, तो उनको ये वाली बुक लेने की जरूरत नहीं। ये बुक मैंने इसलिए रिलीज की, कोई कोई ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको सिर्फ एसे की ही बुक चाहिए होती है, उनका रिपोर्ट आर्ग्यूमेंट ये सब नहीं है, तो फिर आप ये एसे की बुक सिर्फ खरीद सकते हैं। मगर जिसने राइटिंग सेक्शन की बुक खरीद ली वो एसे की बुक नहीं खरीदेंगे। एक बुक अलग से मैंने रिलीज की है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रेसी राइटिंग की, जो सीएपीएफ में जो एलडीसी का एग्जाम देते हैं उनका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रेसी राइटिंग उनकी आती है, तो मैं उनके लिए खासकर मैंने ये बुक रिलीज की। मगर जिन्होंने भी राइटिंग सेक्शन की बुक खरीद ली है उनको ये वाली बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राइटिंग सेक्शन बुक का जो भी मैटर है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और प्रेसी राइटिंग का, वही मैटर इसमें है। तो कोई कोई स्टूडेंट्स क्यों 550 रुपीज या 650 रुपीज इन्वेस्ट करेंगे जब उनको ये बुक और कम प्राइस में मिल सकती है। और जो लास्ट बुक मैंने रिलीज की है वो है चेकमेट इंग्लिश ग्रामर की बुक। तो ये बेसिकली ये बुक जो है ना यूपीएससी स्टूडेंट्स के लिए है जिनके एग्जाम में इंग्लिश ग्रामर डिस्क्रिप्टिव पार्ट के पैटर्न में आता है, जिसमें आप लोगों को एमसीक्यू नहीं मिलता है, सब्जेक्टिव आता है, तो उनके लिए ये बुक बेस्ट है। मगर अगर कोई सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं या एसएससी की भी कर रहे हैं तो वो ये बुक ले सकते हैं आराम से। बस फर्क ये रहेगा कि आपको इसमें क्वेश्चंस जो मिलेंगे वो सब्जेक्टिव पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चन मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। और रही बात रूल्स, तो रूल्स चाहे आप इंग्लिश ग्रामर आप पढ़ो 5th स्टैंडर्ड का, इंग्लिश ग्रामर आप 10th स्टैंडर्ड का पढ़ो, ग्रेजुएशन का पढ़ो, एसएससी, एनडीए, सीडीएस, ये ग्रामर के रूल्स कभी चेंज नहीं होंगे।
टेंस का रूल ये है कि सिंपल प्रेजेंट आप यूज करते हो हैबिचुअल एक्शन को एक्सप्रेस करने के. तो ऑब्वियसली अगर कोई स्कूल के टीचर पढ़ा रही है अपने स्टूडेंट को तो वो टेंस का रूल नहीं चेंज करेगी. ऑब्वियसली ये टेंस का जो रूल है कि हैबिचुअल एक्शन को सिंपल प्रेजेंट से एक्सप्रेस किया जाता है, ये रूल सभी में है. तो रूल्स कभी चेंज नहीं होते एग्जाम के हिसाब से. जो चेंज होता है एग्जाम के हिसाब से वो है क्वेश्चन पूछने का तरीका. तो इस बुक में आपको क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो यूपीएससी का सब्जेक्टिव पार्ट का जैसे है, जैसे आईएफएस में पूछा जाता है, इंडियन जियोलॉजिकल सर्विस में पूछा जाता है, आईएफएस में पूछा जाता है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, या आईएएस में जो इंग्लिश कंपल्सरी का आता है, और या सीएपीएफ का. तो और स्टेट पीसीएस में भी, जैसे राजस्थान का मुझे पता है, उसमें भी इंग्लिश ग्रामर जो सब्जेक्टिव टाइप के आते हैं उनके लिए भी ये बुक बहुत बेनिफिशियल रहेगी. अगर आपको ये बुक का सैंपल पेजेस चाहिए और इस बुक का सैंपल पेजेस चाहिए तो आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप में, मैं इन सैंपल पेजेस को आप लोग मतलब कि आप लोग लिख देना, टाइप कर देना कि मैम हमें सैंपल पेजेस दिखाइए, क्योंकि खरीदने के पहले आप लोगों को पता होना चाहिए इस बुक में क्या है, क्या आप लोगों को ये बुक समझ में आ रही है अगर पढ़ रहे हो तो. अगर सैंपल पेजेस चाहिए तो इस बुक के आपको सैंपल पेजेस भी ग्रुप में मिल जाएंगे, वरना इसके सैंपल पेजेस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे, राइट. एक लास्ट मुझे एक और अनाउंसमेंट करना है कि मैं इस साल 2022 का एग्जाम जो हो रहा है सीएपीएफ का, उसका मैं टेस्ट सीरीज प्रोग्राम मैं लॉन्च नहीं कर रही हूँ. मैं हर साल लॉन्च करती हूँ मगर इस साल मैं लॉन्च नहीं करूंगी, कुछ टेक्निकल रीजन की वजह से, और भी कोई रीजन हो सकता है तो मैं नहीं लॉन्च कर पाऊंगी. तो आप लोग को टेस्ट सीरीज प्रोग्राम इस बार कॉम्पिटिटिव इंग्लिश बाय रश्मि में नहीं मिलेगा इस साल. हाँ, अगले साल मैं जरूर लॉन्च करूंगी. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स.